वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट मैच को लेकर। तो अभी तक तो भाई फेयरवेल मैचेस हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिले हैं। ब्रॉक लेसनर का कोई भी फेयरवेल मैच अभी तक नहीं देखने को मिला है। अगर बात करें वैसे तो कोडी रोड्स के साथ में लगता है, मतलब मे बी अगर चीज़ें अभी सही नहीं हुई तो कोडी रोड्स के साथ तक कह सकते हैं कि वो फेयरवेल और रिटायरमेंट मैच हो सकता है। बट अब क्या WWE यहाँ पर इनके लिए इन फ्यूचर अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो क्या ब्रॉक लेसनर हमें अपने फेयरवेल मैच के लिए वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोडी रोड्स के साथ में वैसे भी एंड करना काफ़ी परफेक्ट सही रह सकता है डिसीजन। बट अगर एंडिंग करना चाहेगी WWE किसी एक सुपरस्टार को लेकर, तो वो सुपरस्टार गंथर है, क्योंकि ऑलरेडी WWE का यही प्लान था, गंथर के साथ में वो एंड करना चाहेंगे। और इवन यहाँ पर गंथर भी खुद चाहते हैं कि WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर वापस से आए और वो अपना लास्ट मैच फिनिश करने के लिए गंथर के साथ में रसल करें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक तरीके से देखें तो लग तो रहा है गंथर के हिसाब से जिस तरीके से वो बोलना चाह रहे हैं, एवन उनको भी लगता है कि वो मतलब हो सकता है उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अगर आगे चल के सही होती है तो ब्रॉक लेसनर के लिए WWE हमेशा से ओपन रहती है और वो ऐसे सुपरस्टार है जिसके लिए मतलब WWE हमेशा मैचेस तैयार रखती है। और वैसे सुपरस्टार को वो वापस ज़रूर लाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार भी हमने WWE के अंदर देख रखे हैं जो कि कभी रिटर्न ना होने वाले थे, वो भी रिटर्न करते हुए दिखाई दे चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार भी आ सकते हैं। बट जो एलिगेशंस लगे हैं अभी करंटली वो काफ़ी ज़्यादा डार्क, मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़े बुरे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का अभी के टाइम पे तो मतलब रिटर्न करने के चांसेस काफ़ी कम है, बट आने वाले 1-2 साल के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हमें इससे क्लियर हो सकती है, जब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं। एंड इवन रसलमेनिया 40 के प्लान्स भी ऐसे बताए जा रहे हैं कि भाई वो मिनेसोटा में देखने को मिल सकता है। एंड इवन यहाँ पर WWE इसको लेकर काफ़ी बड़ा प्लान ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर के लिए मैसिव जो कि हमें रसलमेनिया डिसीजन है मिनेसोटा में लेते हुए अगर दिखाई देती है तो क्लियरली लग सकता है कि ब्रॉक लेसनर मे भी वहाँ पर आ सकते हैं। एंड अगर WWE गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर करवाना चाहेगी तो ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से WWE के अंदर लाएगी और मुझे लगता है कि ये चीज़ें हो सकती है। एंड जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मतलब आरोप तो वैसे गंभीर है, बट विंस मैकमैन जिस तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं और जिस तरीके से मतलब उनकी तरफ से बयान भी देखने को मिल रहा है, तो लगती तो है कुछ चीज़ें कि मतलब भाई विंस मैकमैन की तरफ से तो बहुत बड़ी चीज़ें हुई है, बट ब्रॉक लेसनर यार उनके सेंस में मतलब यहाँ पर फंस पाना मतलब क्या ही लगता है यार, तुम लोग समझ सकते हो। बाकी ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर तो हर कोई देखना चाहेगा भाई, उनका रिटायरमेंट मैच ऐसा होना चाहिए। और WWE ऑलरेडी उनका रिटायरमेंट मैच प्लान कर तक रही थी कि भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर करवाया जाए और एंड करवाया जाए ब्रॉक लेसनर का करियर, क्योंकि मतलब उनको देना था पुश किसको, गंथर को, और गंथर को ब्रॉक लेसनर जैसा बनाना था। अब ब्रॉक लेसनर जैसे गंथर तो बन नहीं सकते, बट यहाँ पर जिस तरीके से उनको पुश देके बनाया जा रहा था तो लग रहा था कि पूरे चांसेस हाई है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर होगा और एंडिंग यहाँ पर हमें ऐसी देखने को मिलेगी। और अगर इवन अभी तक सब कुछ सही रहता तो हमें वही चीज़ें देखने को मिलती भी जहाँ पर रसलमेनिया 40 के रोड टू में ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर की राइवलरी चलते हुए दिखाई देती, बट अब वो हमें नहीं चलते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे में यहाँ पर WWE इस प्लान को होल्ड कर सकती है, इवन प्लान्स तो सारे कैंसिल कर चुके हैं, बट यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लान्स भी है जो कि होल्ड करके रखे रहे कि ब्रॉक लेसनर को लेकर अगर सारी चीज़ें सही होती है तो इन फ्यूचर ब्रॉक लेसनर के साथ में ये सारे प्लान्स वापिस से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं एंड देन ब्रॉक लेसनर वर्सेस हमें गंथर देखने को मिले। आई थिंक मतलब सभी लोग चाहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर एक ऐसा मैच है जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ा मैच बन सकता है, और ऐसे में ब्रॉक लेसनर के लिए प्लान्स बनाए जा सकते हैं वापिस से भी। एंड अगर सारी चीज़ें सही होती है तो फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के लिए कोई दिक्कत होगी भी नहीं। बाकी मुझे तो लगता है कि भाई देखो यार, एक दो साल का फ़र्क है बस, उसके बाद चीज़ें अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ गई, नॉर्मल हो गई, तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर इजीली हमें देखने को मिलेगा, मतलब
चांसेस है इसके। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों को लेकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी। एंड अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब वीडियो अच्छा लगा। और बाकी क्या कहना आप लोग का ओपिनियन क्या इस थिंग को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।